हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज जो है आबकारी और प्रवर्तन सिपाही के जो एडमिट कार्ड हैं जारी कर दिए गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि फिजिकल जो है वो 27 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसके साथ साथ देखिए, कई लोगों का जो है वो एडमिट कार्ड जारी नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह आप जान लें यहाँ पर कि आखिर आपका एडमिट कार्ड क्यों नहीं जारी हो रहा है। तो इसके लिए आप परेशान ना हो, इसका कारण आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि जिनके एडमिट कार्ड आ गए हैं वो अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको triplesc.uk.gov.in की साइट पे जाना है और इस प्रकार से ऑप्शन साइट खुलेगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया आबकारी सिपाही हुआ परिवर्तन सिपाही के प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी कर दिया गया। तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे निकल जाते हैं। अगर आपने परिवर्तन सिपाही के लिए दिया है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपने आबकारी सिपाही के लिए फॉर्म भरा है तो आप यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक दिखाता हूँ, यहाँ पे ये परिवर्तन सिपाही का दिया है। तो देखिए इस पर क्लिक करते हैं जैसे आप, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको अपना नाम और पिता का नाम कि केवल 3 अक्षर डालना है। देखिए अगर आप पूरा नाम डालते हैं अपना तो यहाँ पे एडमिट कार्ड आपका शो नहीं होगा। या तो इसके अलावा आप डेट ऑफ बर्थ के से भी आप अपना निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपने मोबाइल नंबर डाला हुआ था रजिस्ट्रेशन तो आप उसको भी करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको जैसे बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एक नाम टाइप कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक नाम टाइप कर लिया, जैसे मुझे कुलदीप लिखना है तो मैंने KUL कर लिया, केवल 3 अक्षर कर लिए, ये अपने आप ही कैपिटल में हो जाएगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पे MAN टाइप कर लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे उनका फादर का नेम डालना है। तो देखिए मैंने सिर्फ 3 अक्षर डाले हैं, और इसके बाद अगर आप देखो तो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे ये सबमिट कर दे देंगे आप तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पे अगर आपको जो भी नाम है, देखिए कुलवीर सिंह, कुलदीप सिंह नेगी, इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग नाम खुल चुके हैं। और यहाँ पे आप देखें, अगर जो भी आपका फादर का नाम है आप यहाँ पे देख करके और इसको डाउनलोड कर देते अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर एडमिट कार्ड पर गया, यहाँ पर व्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर लिया मैंने। तो देखिए इस प्रकार से कोई ये इस प्रकार से एक एडमिट कार्ड है ये यहाँ पर आ गया है। तो इस प्रकार से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है आपको और आप इसे प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से एडमिट कार्ड आ गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जिनके एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं उनका क्या कारण है, क्या रीज़न है कि एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे हैं। तो जिनके एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि 5 जिलों के शारीरिक परीक्षा स्थगित। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है अब 8 जिलों में 27 फरवरी से होगी आबकारी और प्रवर्तन सिपाही के शारीरिक परीक्षा। और देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आबकारी और प्रवर्तन सिपाही के 127 पदों की शारीरिक परीक्षा 5 जिलों में स्थगित कर दी गई है। अब 8 जिलों 27 फरवरी में से शारीरिक परीक्षा होगी। इसके लिए अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र रविवार को आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही 5 जिलों में शारीरिक परीक्षा की नई तिथि घोषित करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि चयन आयोग ने पूर्व में आबकारी सिपाही के 52 और परिवहन विभाग में परिवर्तन सिपाही के 75 पदों की शारीरिक परीक्षा जिलेवार 27 फरवरी से प्रस्तावित की थी। खेल विभाग के माध्यम से शारीरिक परीक्षा ली जानी है। खेल विभाग ने मैदान व अन्य उपकरण उपलब्ध न होने के कारण हरिद्वार, देहरादून, चंपावत, ऊधम सिंह नगर व उत्तरकाशी जिले में शारीरिक परीक्षा शुरू करने के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। तो देखिए इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर रहते हैं, हरिद्वार, देहरादून, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और उत्तरकाशी, तो आप यहाँ टेंशन ना लें क्योंकि यहाँ के एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हुए हैं, तो इसलिए आपका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया कि इस चयन आयोग ने इन जिलों में शारीरिक परीक्षा स्थगित कर दी है, जल्द ही आयोग इन जिलों में शारीरिक परीक्षा की नई तिथि घोषित करेगा। चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी का कहना है कि 8 जिलों में 27 फरवरी से शारीरिक परीक्षा शुरू होगी। 5 जिलों में मैदान उपलब्ध ना हो पाने और शारीरिक परीक्षण के लिए उपकरण न कर पाने के कारण शारीरिक परीक्षा स्थगित की गई है। खेल विभाग, जिला व पुलिस प्रशासन की सहमति के बाद जल्द ही नई तिथि घोषित की जाएगी। तो आप इसलिए परेशान ना हो, जो अगर आप जिन्होंने अगर देहरादून, हरिद्वार, चंपावत, ऊधम सिंह नगर से और उत्तरकाशी से भरा हुआ है तो उनके अभी एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी नहीं होंगे। तो मैं आपको पहले बताता हूँ, इसलिए आप परेशान ना हो, क्योंकि कई व्यूअर जो है वो कमेंट करके कर रहे थे कि हमारा एडमिट कार्ड यहाँ पर अपलोड नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा है। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको मैंने बता दिया और एडमिट कार्ड भी आपको दिखा दिया, डाउनलोड कर ले जिनका है। तो यहाँ पे देखिए, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और टिहरी के जो अभ्यर्थी हैं जिनकी संख्या यहाँ पे दी गई है अलग अलग, तो इनके 27 फरवरी से जो अल्मोड़ा के हैं वो 27 फरवरी से 14 मार्च तक इनकी भर्ती होगी, यहाँ पे फिजिकल होगा। वहीं अगर हम बागेश्वर की बात करें तो इनकी 27 से 7 मार्च तक चलेगी। वहीं चमोली की 27 से 6 मार्च तक है, फरवरी की 3 अप्रैल तक है। और
सर जो नैनीताल की वो 27 फरवरी से 3 अप्रैल तक है। वहीं पौड़ी की बात करें तो पौड़ी की 27 फरवरी से 8 मार्च तक। पिथौरागढ़ की है जो वो है 27 फरवरी से 12 मार्च तक चलेगी। और रुद्रप्रयाग की जो है ये 27 फरवरी से 5 मार्च तक। वहीं अगर हम टिहरी की बात करें तो यहाँ पे 27 फरवरी से 5 मार्च तक जो ये फिजिकल ये यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि 10 बजे के बाद नहीं होगा पंजीकरण। तो देखिए, वैसे आपके एडमिट कार्ड पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आपको 8 बजे पहुँचना है। उसके साथ ही वहाँ पे 7:30 बजे तक का टाइम दिया गया है, 8 बजे तक लिखा गया, लेकिन कहा गया कि 7:30 बजे तक आप पहुँच जाएँ और 10 बजे के बाद जो भी अभ्यर्थी पहुँचेंगे उनको उनका पंजीकरण नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप अपना एडमिट कार्ड निकाल लें और पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें पढ़ के जाएँ, साथ ही अपने फ़ोटो, वोटर आईडी या फिर कोई आईडी प्रूफ, अपना जो डॉक्यूमेंट है और ये सब लेके जरूर जाएं। तो जुड़े दोस्तों हमारे साथ, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती रहे।